आज हम बनाएंगे चिकन सीख पुलाव और यूज करेंगे दावत पुलाव बासमती राइस जो खास पुलाव के लिए तैयार किया गया है। सबसे पहले हम दावत पुलाव बासमती राइस को अच्छी तरह से 2 से 3 बार धो लेंगे। फिर इसे करीब 20 से 25 मिनट के लिए सोक कर लेंगे। राइस अच्छी तरह से सोक हो गया है। एक पैन में घी और तेल गरम कर लेंगे। इसमें डालेंगे रेडीमेड चिकन सीख। मसालों में डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक। इसे भून लेंगे। अब हरा धनिया डालकर चला लेंगे। भुने हुए चिकन सीख को प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी पैन में घी और तेल को गरम कर लेंगे। इसमें डालेंगे दालचीनी, चक्री फूल, काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, हरी मिर्च और प्याज। इसे गुलाबी होने तक भून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसे भून लेंगे। चलिए और मसाले डाल लेते हैं, जो है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और चिकन मसाला। इन सबको भून लेंगे। अब इसमें भुना हुआ चिकन सीख और तले हुए प्याज डाल देंगे। फाइनली इसमें ऐड करेंगे भिगोए हुए चावल और नमक। मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया और गरम पानी डालकर इसे 20 से 25 मिनट तक ढककर पका लेंगे। चलिए अब चेक कर लेते हैं। हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। लीजिए, बन गया है चिकन सीख पुलाव, जिसे हमने बनाया है दावत पुलाव बासमती राइस के साथ। इसके दाने बिल्कुल खिले खिले रहते हैं। गार्निश करेंगे धनिये और तले हुए प्याज से और सर्व करेंगे रायते के साथ। राइस की और एक्साइटिंग रेसिपीज के लिए देखते रहिए संजीव कपूर खजाना।